ए कोण आहे रे, माझी झोप मोडली, कितने नींद खराब झाली. आई ग, रास्ते में इस तरह कोई सोता है क्या? ओ जोमी, तू का भाई. सोकर बात करते हैं. नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है कि बैठ के बात करते हैं. टाउन में जाकर नया चप्पल खरीद कर उससे मारूंगी तुम्हें. अरे रे रे रे, खूब लग लगा, फूंक मार के हवा दूं क्या? तुझे क्या लेना देना है, चुपचाप जा यहाँ से. अरे रे रे, जुम्मे. अरे रे 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 रे, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, रुक 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 रुक. अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. अरे तुम रुक जाओ, तुम्हारा पैर ठीक करता हूँ. रुक जाओ यार. अरे रुको तो. अरे अरे हम देखो, मैं बोल रहा हूँ चुपचाप बैठो, नहीं तो दूसरा पैर भी तोड़ दूंगा. ओम भगभुगे भगमासे भगनि भागोधरी ओम फट स्वाहा स्वाहा. अरे क्या देख रही हो? अरे बड़े बड़े सांडों के टूटे हुए पैर हम ठीक कर देते हैं, तुम्हारा तो छोटा मोटा दर्द है. और वैसे भी तुम्हारे शरीर में और कहीं दर्द होगा तो बता दो, सभी दर्दों का इलाज है मेरे पास. इस मामले में मैं स्पेशलिस्ट हूँ, डॉक्टर डोकोमो. बड़े देखे तेरे जैसे आया बड़ा डॉक्टर. काय सोते है, अपना काम कर. अरे बिना फीस दिए जाओगी क्या? तुम्हारा पैर ठीक किया है मैंने, ये देखो, इसके आगे और पीछे साइन करके जाओ. क्या है ये? वो क्या है कि इतने साल के बाद भी तेरे और मेरे बीच में करंट पास नहीं हो रहा है, तो केबल वाले को एप्लीकेशन दे रहा हूँ मैं, समझ रही ना? ये तो किसी बैंक के सिक्योरिटी का पेपर लग रहा है. हाँ ये वही है. अरे तेरे पास जो 2 एकड़ खेती है ना, अरे उसी में तेरे नाम से ही डेयरी फार्म ओपन करना चाहता हूँ मैं. और वैसे भी शादी के बाद हम दोनों वही रहेंगे ना. तुझे डेयरी बनाने के लिए मेरी जगह मिली थी क्या? अच्छा जोमी, और किसके पास जाऊँ मैं? पूरे गाँव में तुम्हारे अलावा मुझे और कोई लड़की नहीं नजर आती. अरे अरे ये पेपर तो यहीं रह गया. अरे सुनो, इस पे साइन तो करके जाओ, अपने प्यार के लिए तो साइन कर दो. प्यार? हाँ? एक बार फिर बोल तो. क्या जुमी, तो ऐसी बात करती है? क्या क्या किया है बता जरा. ठीक है, तू नहीं मानी तो मैं कैसे करूँगा. हाँ तू बोल के तो देख, बस 2 ही मिनट लगेगा, करके दिखाता हूँ. ये सब बकवास करना छोड़ दे. हाँ छोड़ दिया, तेरा श्योरिटी नहीं चाहिए. एक काम करेगी क्या? क्या? जुमी, भगवान की कसम, मेरी बॉडी में अजीब सी फीलिंग हो रही है. इसका एक ही इलाज है, हम तेरी गाड़ी में शहर में जाते हैं और सेकंड शो देखकर आते हैं, तभी कुछ हो सकता है. जुमी, सेकंड शो कोने की सीट पकड़ूंगा. सीट नहीं मिली तो कोने में खड़ा रहकर सिनेमा देख के घर आऊँ. ठीक है चलो, आती हूँ. तो ठीक है, मैं ही गाड़ी चलाता हूँ. मगर एक और टिकट चाहिए. तेरे दादी के लिए ना? नहीं, चेयरमैन को भी बुलाते. कौन है ये चेयरमैन? हाँ कौन है चेयरमैन? ऐसे टमाटर से उसे मारूंगा तो छत पर जाकर गिरेगा वो. यहाँ पे मारूंगा, यहाँ 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 पे मारूंगा उसे, यहाँ पर ऐसे मारूंगा, ऐसे गिर जाएगा वो. यहाँ पे मारूंगा उसे, यहाँ पे. ए कौन है रे जो जुमी के ससुर की तरह चिल्ला रहा है? तुझा बाप. अरे बापू. अरे तू डब्बा लेकर आने वाला था, उधर क्या कर रहा है? अरे आजकल की लड़कियों को बैलगाड़ी चलाने नहीं आती, स्कूटर चला रही है. देखो ये गाड़ी चला रही थी, गिर गई इसलिए मैंने इसे बचा लिया. कौन है वो? अरे वो चेयरमैन है ना. उसके बाप को हमारे बाप ने मारा था, तुझे याद नहीं क्या नालायक? हाँ एकदम सही. तुम यहाँ मत रुको वरना तुम्हारी हालत दिखा. वो तेरे साथ ज्यादा बात करेगी तो मैं उसको काट डालूंगा, बोल दे उसको. बराबर बापू, बराबर, बिल्कुल. बस बंद कर, जा जल्दी से डब्बा लेकर आ. संभल कर रहना वरना मार खाएगा. अरे कहाँ ढूंढू उसे, कहाँ ढूंढू. ये रहा. हाँ अरे रे रे रे, ऐसे क्यों खींच रहे हो उसे? अभी तो ठीक करा के लाई हूँ. अरे 20 ग्राम ज्यादा डाला है ऐसा बोल रहा था वो सुनार. बस कर और जाके अपने बाप को बुला. वो टेंशन में है, कैसे बुलाऊं? वो गाय पालने वाले अगर इस गांव में रहेंगे ना तो आपको कोई फायदा नहीं होगा. ये सब क्या हो रहा है? टूटा हुआ मंगलसूत्र बनवा कर लेकर आई हूँ, मुहूर्त के लिए अभी 3 मिनट बाकी है, बांधो. इधर कौन है, कहाँ है वो? कहाँ देख रहे हो? किसे पहनाना है ये? दूसरा कौन होगा यहाँ? तुम्हारे सामने खड़ी हूँ ना, ये मंगलसूत्र मुझे ही पहनाना है. अरे इसे तो तुम खुद भी पहन सकती हो. ए तू इधर आ, क्या हुआ बोल? मंगलसूत्र का टूटना अपशकुन होता है, शास्त्र के हिसाब से उसको रिपेयर कराया गया. हाँ. है और शास्त्र के हिसाब से उसे आपको ही बांधना. हाँ. होगा. अब सुहागरात भी मनाना पड़ेगा क्या? ए तू चुप कर, हफ्ते में 3-4 बार सुहागरात मनाने बाहर जाते हो और साथ में उस रामू को भी ले जाते हो, मुझे कुछ पता नहीं है क्या? तुम चुप रहो, इतना बड़ा बेटा हो गया है, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब ये सब बंद करना होगा तुम्हें, समझे क्या? चलो चुपचाप ये पहनो और ये लो,
मुझे भी पहनाओ। अरे ये प्रोग्राम तुम कल नहीं कर सकते क्या? हाँ, ये मुहूर्त 8 साल में एक बार आता है, सही कह रही हूँ ना पंडित जी? क्या ये सब भी चक्कर है पता नहीं, दूसरी बार मंगलसूत्र बांधने का ऐसा मुहूर्त किसी की लाइफ में दोबारा नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने। क्या सही बोला? अरे तू चुप करना, तू बोलना, जल्दी बोल क्या बोल रहा था, अब बोलेगा भी क्या बोल रहा था? बांधो ना। बिल्कुल करेक्ट बोला तूने। गांव पूरा सूख गया है, वो त्योहार मना रहा है, ऐसा बोला भाई? बोलने दो, इतना ही बोलता तो मैं छोड़ देता भाई, लेकिन वो आपका नालायक, बेवकूफ, कमीना, गुंडा आपकी माँ बहन तक पहुँच गया भाई। इतना ही नहीं, माँ को भी गाली दी उसने। क्या बोला ये? मुझे देख कर वो वो आइटम बोला। वैसे ठीक ही बोला ये। ऐसी बात नहीं है भाई, वहाँ पे तो दुकान पे भाभी से सीना फुला के खड़ा था। ए, तू चुप रह भाई। आपको और भाभी को बोलता तो मैं छोड़ भी देता, लेकिन आपके बेटे, आपके वारिस का एक नाम भी रखा है उसने, भाई सिपाही रामू, ब्रैकेट में बुलेट। एक तरह से ये भी ठीक ही है। इस तरह करने से नहीं चलेगा, कल कोई मुंह पर थूक कर चला जाएगा, वो लोग गांव से नहीं जाएंगे, तुम्हें ही भगा देंगे इस गांव से। बिल्कुल सही बोला भाभी आपने, यही होगा। आपके पिता को? क्या? आपके पिता को? हाँ, मेरा पिता मर गया। आगे बोलो। वो जानवर पालने वाला अपना सांड छोड़कर तुम्हारे पिता की जान ले ली, तो तुम्हें भगाने में कितनी देर लगेगी उसे? शुक्रवार के दिन आपका मंगलसूत्र टूट गया था, उसी दिन तुम्हारे पिताजी की तिथि थी, कल बहुत अच्छा दिन है, उन्हें गांव से बाहर निकाल दो। हाँ भाई, उस डोकोमो को फोन कर, चल। फोन तो बज रहा है भाई, उठाएगा अभी, ये लो भाई। हाँ। हेलो। ये गाना चाहते हो तो 9 दबाइए। मुझे नींद ना आए। क्या बोल रहा है भाई? अगर ये नहीं चाहते हो तो 8 दबाइए। अगर हमारा गाना अच्छा नहीं लग रहा तो आप ही गाना गाइए। अगर आपको लगता है कि आप मरने वाले हो तो हमारे ऑफिस में आकर इंश्योरेंस निकालिए। मेरी बात सुन। दिन में सुंदर लड़कियां फोन करती है तुझे, आयला तेरी, तो अभी रात में बुड्ढा फोन कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ बोला क्या भाई? नहीं नहीं, जनरली बात किया बस उससे। अच्छा, ये लो। उसकी पूरी फैमिली को उठाकर लेके आओ, अभी कभी लेके आओ। हो गया क्या तेरा? चलो जाओ यहाँ से। चलो खाना खाने, तुमसे तो कुछ नहीं होगा। कैसा है रे बाड़ा? अरे मैं तो ठीक हूँ आजी, बस इस बैल को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अरे काय झाला रे? वो संक्रांति के दिन इसको नजर लग गई थी, पता नहीं तब से इसको क्या हो गया है, लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या? हाँ हाँ हाँ, इसीलिए। अरे आजी, आधे घंटे के लिए तुम तुम्हारी गाय को इसके पास छोड़ दोगी ना, तो इसकी तबीयत सही हो जाएगी। इसके ऊपर मक्खी भी बैठती है तो ये चुप नहीं रहती, सिर्फ उस चूमी की बात मानती है बस। वो तो बड़ी महारानी है, कहाँ है वो? अरे आज जाओ ना, को मर्डर हो जाएगा तेरा। क्या बोल रही हो? वो नहा रही है बाड़ा। ए, 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 अरे ठीक से नहा लिया ना जुमी? बाहर जाता है या आंखें नोच लूं तेरी? कौन से साबुन से नहाती हो जो इतनी सुंदर?